दोस्तों स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। मैं हूं रविकांत, आप देख रहे हैं मिशन जुनून ब्लॉग। सीनू ये हुआ कि आज मैं भी तुम्हें आपको पता है कि जैसे कि मैं लद्दाख जाने वाला हूं, तो मेरा संदेश जो था सेव नेचर सेव वाटर और दहेज प्रथा का अंत। मैंने सोचा कि एक झंडा बना लिया जाए कि गाड़ी में लगाने के लिए। और जब मैं पेंटर के पास गया तो दो झंडा का उन्होंने इतना रुपए मांग लिया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और इसी कारण फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने से ही झंडा क्यों ना बना लूँ, अपना झंडा। और वही अब भी मैं बनाने जा रहा हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, कि वो झंडा अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जैसा भी बनेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। झंडा का मीटर मैं आपको अब दिखा रहे हैं। ये झंडा का मीटर है। ये झंडा को मीटर को जो है मैं इसे कपड़े पे उतारूंगा, इसी कपड़े पे मैं उतारूंगा इसे, झंडा का बनाऊंगा झंडा। अब पता नहीं मेरा झंडा कैसा बनेगा, लेकिन जैसा ही बनेगा शायद पसंद ही आना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। अब मैं इसके लिख चुका हूँ, देखिए ये पूरा लिखावट हो चुकी है। अभी पेंटिंग करना बाकी है इसमें, और क्या पता कैसा होगा, पता नहीं, पर अच्छा ही होना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा आदमी को बी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कैसा है नहीं है। ये हमारे रविकांत भैया हैं, जो कि आज से ही कपड़े में पेंटिंग करने के लिए स्टार्ट किए हैं। इस दुकान का नाम राजस्थान लैस बुटीक सेंटर है। अगर आप लोग को कभी कपड़े वगैरह में पेंट करवाना हो तो इनसे संपर्क करें, विकास मार्केट, 2 तारीख 2021, अररिया से ले लद्दाख की यात्रा करेंगे। अब मैं इसे लिख रहा हूँ, पता नहीं कैसा लिखाएगा, लेकिन जो भी लिखाएगा अच्छा लिखाएगा। ये कुछ हमारे भाई हैं जो हंस रहे हैं हम पे, ये देखिए, इसका नाम तनवीर है और इसका नाम समीम है। ये हंस रहे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये लिख तुम तो नहीं पाओगे, क्या करूँ। देखिए दोस्त, बन के तैयार हो गया। ये हमारा आप सबका मिशन जुनून ब्लॉग अररिया से लद्दाख मोटरसाइकिल यात्रा का झंडा, जिससे हम जा रहे हैं देश का। ये लिखा हुआ है सेव वाटर सेव नेचर दहेज प्रथा का अंत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल बटन बजा दीजिए और नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।